Okay, today we are doing chapter 11, factors and multiples. Okay, and exercise 7.3 हमारा चल रहा था, उसमें question number 7 देखिए, find the prime factors of the following numbers using factor tree method. Okay, just the simple factors, but a difference is that कि हमें यहाँ पे क्या करना है, just a factor tree method use करना है, nothing else. Okay, so और इसमें हमें क्या बोला है, हमें क्या एवरी फैक्टर्स हमें बताने नहीं है, सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं. ओके, 22 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो आपके क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको, 2 एंड 11. ओके, जस्ट सी, हमें 22 का फाइंड करना है, तो लाइक दिस हम ट्री की शेप में इसको करेंगे. देन आपको फर्स्ट फैक्टर क्या मिलेगा, 2, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 11. ओके, अभी ये आपका क्या है, कंपोजिट फैक्टर. वाई? बिकॉज बेटा आपके टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, वेरी प्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, जिनके या तो वन या फिर वो नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर. एग्जाम्पल के लिए आप 23 ले लीजिए. ओके, 23 का एक तो वन फैक्टर होगा और एक 23, उसके अलावा कोई भी नहीं. एंड कंपोजिट नंबर बेटा आपका क्या होता है, जिसके आपके वन सेल्फ दैट नंबर एंड अदर्स आर ऑल्सो दैट फैक्टर, यानी कि मोर देन टू फैक्टर्स, टू और मोर देन टू फैक्टर्स, तो वो नंबर क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर. ओनली टू फैक्टर्स प्राइम नंबर. ओके, देन 22 अभी यहाँ पे आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर्स है. ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स में आपको इसे कन्वर्ट करना है. देन 2 क्या है आपका प्राइम नंबर, एंड नाउ 11 दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर. ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं द प्राइम नंबर्स of 22 are 2 multiply 11. Okay? Now, हम एक और example लेते हैं. B part लिखिए. Okay? अभी हम example लिख लेते हैं 35. ठीक है? अभी 35 को आपको Now, we have taken next number 35. 35 के बेटा factors कीजिए prime numbers में, यानी कि 5 multiply 7. Okay? ये भी आपका एक prime number है, and this is also a prime number. ठीक है, but 35 आपका composite number है ना? Other 5 and 7 आपके और भी इसके factors हो सकते हैं. ठीक है, तो आप इसके factors इस तरीके से write करेंगे. Numbers five multiply 7. Okay. अभी इसके अलावा हम थोड़ा अलग example क्या ले सकते हैं? आप 40 का लीजिए बेटा. Okay. Now हम 40 का देखते हैं कि उसके prime numbers कहाँ तक हैं. Okay. देखिए 40. ठीक है. अभी इसे हमें क्या करना है? Prime numbers में convert करना है. देखिए. पहले इसके फैक्टर क्या करेंगे हम, 2. नेक्स्ट आपने किया इसको 20. ठीक है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे होंगे 40, कंपोजिट नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट किया, ये आपका क्या है प्राइम नंबर. नेक्स्ट 20 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर को तब तक हमें स्ट्री को कंटिन्यू करना है जब तक कि हमें लास्ट में सारे फैक्टर्स क्या ना मिले प्राइम. ओके, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. नाउ अदर 20 का क्या फैक्टर है, 2, नेक्स्ट 10. ओके, 2 मल्टीप्लाई 10 20, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. नाउ नेक्स्ट 10,
एंड अदर फैक्टर इज 5. ओके, 2 मल्टीप्लाई 5 10. नाउ 2 हम जानते हैं कि प्राइम नंबर है, बट 5 यस दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज 5 के क्या फैक्टर्स है, 1 5, ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2. सो अभी हम यहाँ क्या राइट करेंगे, द प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स, ओके प्राइम फैक्टर्स आर 2 × 2 × 2 × 5. ओके, सो दिस इज द फैक्टर ट्री. हमें लास्ट में किसी भी नंबर को जो कंपोजिट नंबर दिया है उसे प्राइम फैक्टर्स में शो करना है. ओके, हम तब तक इस फैक्टर ट्री को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें लास्ट में सारे क्या नहीं होते, फैक्टर प्राइम फैक्टर्स नहीं होते. ओके, देन अभी हमें